भाई साहब पहाड़ जिस रंग में अच्छे लगते हैं ना वो जेन्युइनली हरा ही है, क्योंकि ब्राउन ब्राउन पूरे, मेरे को तो चिट्टे भी इतने सुंदर नहीं लगते। चिट्टे क्योंकि वो होते हैं स्नो वाले, आप थोड़े टाइम के लिए देखो मजा आता है, मगर जब बाद में ठंड लगनी शुरू होती है ना बंदा कहता है हरे ठीक है यार। मुन्नार की चाय के बागानों से भरी वादियां, जो खूबसूरती में ऑस्ट्रियन आल्प्स को भी पीछे छोड़ दे। उनके दर्शन अपनी माताजी, घरवाली और आप लोगों को कराता। मैं ट्रैवलिंग देसी, पर इस दिन की शुरुआत हुई थी हमारे होटल से, जहां ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन बूफे लगा हुआ था। माता जी, ओए ओए, इस सांबर का मजा अलग ही होता है वैसे, डिफरेंट। जी हाँ, वाकई नॉर्थ में जो हम सांबर खाते हैं, यहाँ का सांबर उससे थोड़ा बेटर टेस्टिंग जरूर होता है। मैडम ले रही हैं उपमा, सुबह सुबह हैं, इनको उपमा पसंद आ गया। यू लाइक उपमा? बस लेडीज की वेट हो रही है। बाकी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप कोची से यहाँ गाड़ी लेके आते हैं तो 2000 रुपीज़ पर डे के आसपास आपको मिल जाएगी, जिसमें कि आपका आना जाना और यहाँ पे घूमना इंक्लूड हो जाएगा। बट ये वाली जो है इनोवा अगर आपने लेनी हो तो तकरीबन 3000 से 3500 के बीच में पड़ती है इस गुड कंडीशन में। रेडी? चलो जी, चलो लेट्स एक्सप्लोर मुन्नार। किसी ऐसी जगह पे आप घूमने हैं जहाँ पहले कभी ना गए हो तो खुद तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, मगर अगर आपको एक गाइड मिल जाए तो कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपको खुद घूमते हुए कभी शायद पता भी ना लगे, आप नोटिस भी ना करें, वो कर पाते हैं। तो हमारा भी यही इरादा है, केरला टूरिज्म ने हमारे लिए एक गाइड भी अरेंज किए हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त हैं यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, कैसे वो मैं आपको बताऊँगा। बट लेट्स मीट हिम एज वी रीच द सिटी ऑफ मुन्नार। You're looking nice today with this combination. Today only, acha. I know you will catch it. Bibi ki tarif karo tumaro na karo tumaro. Nothing. मम्मी जी, व्हाट डिड यू से? रिसॉर्ट्स थोड़ा हट के हिल पे है, मगर अब हम जो एरिया क्रॉस कर रहे हैं वो है ओल्ड मुन्नार, तो इसको जरा मैं आपको ऊपर से दिखा दूं। ये तो पीछे आपको बिल्डिंग देख रही है, ये पुराने जमाने का रेलवे स्टेशन हुआ करता था और यहाँ पे मोनो रेल चलती थी, जिसका एक पहिया सड़क पे और एक पहिया जो है ट्रैक पे होता था, और उसको बुलॉक्स जो है ना वो खींचा करते थे, टी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली यूज होती थी। उसके बाद यहाँ पे नैरो गेज रेलवे बनाई गई, जो कहते हैं कि 1920 में बह गई, और उसके बाद फिर फाइनली रोड बनाई गई कोचीन के लिए, जिससे हम अब आए हैं। और ये सारा पर्पज था यहाँ से चाय इकट्ठी करके इंग्लैंड भेजने का। Four. Namely? No, English, Malayalam, Tamil and a little bit of Hindi. Ah, okay, perfect. फिर हम निकले सबसे पहले शहर से थोड़ी ही आगे यहाँ के बेहद खूबसूरत लश ग्रीन पहाड़ देखने। कमाल की सुंदर जगह है जी, मतलब आप ये लोगों के सामने में बताया कि उस तरफ जो सुंदर सुंदर घर दिख रहे हैं उनके साथ एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे जो यहाँ की लोकल ट्राइब है उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है। सर, व्हाट्स द नेम ऑफ द ट्राइब? मुदुवन, मुदुवन ट्राइब। ओके, मुदुवन मींस बैक पीपल। ओके, बैक पीपल मींस नॉट लाइक बैकवर्ड पीपल, लाइक दे कैरी थिंग्स इन देयर बैक। ओके, नथिंग ऑन द हेड, नथिंग ऑन द शोल्डर्स। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बैक पीपल, मुदुवन ट्राइब्स। इट्स एन एथनिक पीपल। अब
अब जी अगर आपके साथ कोई गाइड ना हो तो आपको आम देखने में चाय के बगान लगेंगे, मगर आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये 1880 में ब्रिटिश लोग लेके आए थे यहाँ पे, और ये वो प्लांट है जो 100-100 साल भी चल जाते हैं, तो कई तो अंग्रेजों के ज़माने के लगाए हुए भी आज तक यहाँ पे हैं। और कैसे पता लगेगा कि डिफरेंस क्या है कि कौन से अंग्रेजों के ज़माने के हैं या 100 साल पुराने हैं और कौन से नए हैं, क्योंकि पहले आप देखो ये ऐसे वर्टिकल इनमें चलने की जगह है जो पीछे जो है ना, तो ये पुराने हैं क्योंकि ये पुरानी टेक्निक है। अब वो पीछे देखो अगर आपको हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा होगा, उससे होता ही है कि जो प्लांटेशन वाले होते हैं उनको हर बार ऊपर नीचे हर रो में नहीं होना पड़ता, हॉरिजॉन्टली इजीली कर लेते हैं, प्लस ये पानी ज्यादा रिटेन करती है, सॉइल इरोजन कम होती है। अब जी हम थोड़ी एक लेसर नोन एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे आमतौर पर टूरिस्ट आराम से जा नहीं पाते, बड़ी खड़ी चढ़ाई पे उतर के और सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो सिटी का है ना हम पीछे छोड़ आए। तो आंटी जो जिस तरीके से काट रही है ना, बेसिकली कटर कैंची है और उसके साथ एक फटा लगा हुआ था, वो फटा जो है साथ साथ पत्तियों को अंदर धकेलता रहता है, जब इनका एक पूरा लोड खत्म हो जाता है तो ये इसके अंदर भर लेते हैं। मैंने सबसे पहले ये पूछा कि ये क्या ये मलयालम में बात करते हो, तो मेरे को बताया गया कि तमिल में, तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, मगर फिर बाद मुझे इसकी वजह ये समझाई गई कि अंग्रेज़ लोगों ने जब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स सबसे पहले 1880s के आसपास लाना शुरू किया तो तमिल बॉर्डर बहुत पास है और ये जो एरिया बहुत बड़ा वास्ट है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है और तमिल लोग जो हैं वो जाने जाते हैं अपने हार्ड वर्क के लिए भी, बड़े लेबोरियस उस तरीके से, तो इसीलिए दैट वाज द राइट फिट एट दैट टाइम। इट रियली लुक लाइक दे आर एक्चुअली एंजॉयिंग सो मच, ऑल द लेडी आई हैव क्रॉस पाथ विद आर सो जॉयफुल, रियली स्माइली, दे आर हैप्पी, आस्क माय नेम। अब मेरी घरवाली भी जब 15 साल की थी तो कनाडा में पार्ट टाइम जॉब करते हुए स्ट्रॉबेरी पिकिंग किया करती थी, तो हमने कहा जरा ट्राई करवाओ ना इसको भी, तो आंटी जी का टूल लेके ट्राई करेंगे। अब इसके अंदर ना जी सिर्फ टॉप वाला जो लाइट ग्रीन कलर का पार्ट है ना वही काटना होता है, नॉट द डार्क ग्रीन, बिकॉज दैट इज मोर फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फूड एंड द हेल्थ ऑफ द प्लांट। ओके रेडी? ओके ओके ओके, लाइक दिस? या ठीक कर रही है, करेक्ट है, விட்டுது இந்த இந்த கொண்டு விடாம இத சேர்த்து வெட்டணும். अल्ले उतरो, नीचे उतर के देखो। ओ भाई साहब, दिख रही है ना हॉरिजॉन्टल जो पैचेस बनाए हुए हैं, मैं ड्रोन भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। और कई प्लांटेशंस तो ऐसी थी कि ऊपर से देखो तो ऐसा लगे कि कोई जायंट थंब प्रिंट हो। दिस इज हाउ मच दे आर पिकिंग, व्हिच इज 3 टू 4 लीफ इन द बड। ओके, एंड दिस इज फॉर ब्लैक टी। ऑल राइट, सेम प्लांट यू पिक, ओनली द 2 लीफ इन द बड फॉर ग्रीन। ओके, एंड ओनली द बड, द टॉप लीव्स ओनली दैट फॉर वाइट टी। या, एंड द प्रोसेस इज डिफरेंट। और ये जो आपको साथ में पेड़ दिखाई दे रहा है ना बीच बीच में, ये सिल्वर ओक पेड़ है, ऑस्ट्रेलिया से लाए गए थे अंग्रेजों द्वारा, और ये यहाँ पे बीच में इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इनसे धूप जो है ना छट के फिल्टर होके चाय के ऊपर पड़े, क्योंकि चाय को धूप और छांव लगभग दोनों ही चाहिए होते हैं। ये नजारे इतने सुंदर थे, सास बहू जब से आई है मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लगी हुई है फोटो शोटो खींचने में, और ये कह रहे हैं कि सारे पहाड़ों में पीछे आपको जितना ज्यादा नजर दिखाई जा रहा है चाय ही चाय उगाई जा रही है भाई साहब। और आपको पता है इंडिया अभी दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा चाय पीने वाला देश है, नंबर वन इज चाइना, बहुत पीते हैं सर, कह रहे हैं चाइना जो है वो नंबर की वजह से होगा नंबर वन, मगर टर्की पर कैपिटा सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लोग ऑन एन एवरेज चाय सबसे ज्यादा टर्की में पीते हैं। थैंक यू, बिकॉज ऑफ यू आई गॉट अ वेरी जेन्युइन पिक्चर ऑफ मम्मी जी व्हाइल यू वर टॉकिंग टू अस। और ये आ गई यहाँ पे मुनार की सब जेल, और ये सामने कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बड़ा शहर नहीं है तो यहाँ से अगर किसी को सजा होती होगी तो सीधा यहाँ सब जेल में भेज देते होंगे। और क्योंकि चाय का इतना कल्चर तो यहाँ पे एक टी म्यूजियम भी है, वैसे तो 125 रुपए की टिकट है इसकी, मगर यहाँ पे ना ये लगा हुआ है सिस्टम जिसके अंदर आप धूप की इसकी परछाई से पता लग जाता है कि भाई जहाँ पे परछाई पड़ रही है वो बताता है कि इतना टाइम हुआ है। अगर हम नजदीक आके इसको देखें तो इसकी शेडो के हिसाब से टाइम हुआ है अभी
लगभग 1250 के आसपास 1250 वेरी एक्यूरेट 1250 और जितने जानवर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे आज भी इन जंगलों में एग्जिस्ट करते हैं इनमें से कोई भी एक्सटेंट नहीं और ये जो है ना गॉड इसको कहते हैं कि ये धरती पे सबसे बड़ा वाइल्ड कैटल है और ये छोटा वाला जो है इसका शिकार करते हैं यहाँ पे लेपर्ड वगैरह और जो बड़ा वाला है इसके आगे लिखा हुआ सांबर डेयर इसका शिकार करते हैं टाइगर्स एक्चुअली टाइगर राइट चाय की खुशबू भाई चाय की खुशबू अलग अलग फेजेस में जो है चाय का पत्ता कट्टा और छोटा होता हुआ आ रहा है और कहा यह जाता है कि चाय जो है ना वो बिना दूध के पीने वाली और दूध के साथ पीने वाली अलग अलग होती है ये दूध के साथ पीने वाली है उनको मिक्स नहीं करना चाहिए चाय का दाना या पार्टिकल कहता है जितना पतला होता है उतनी चाय स्ट्रॉन्ग होती है और ग्रीन टी और ब्लैक टी में जो मेन डिफरेंस होता है वो इस मशीन में दिख रहा है जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं यानी कि ऐसा पत्ता ऐसा हो जाता है उसमें से कड़वाहट निकल जाती है इतनी चाय माता जी बंदा कंफ्यूज हो जाता है चलो हमें बताने के लिए कोई है कौन कई तरह की है कि ऐसे ये पता लगेगा क्या केस 8 तरह की तुमने मशीन से निकलते हुए देखी है अब जी हम उतरे हैं शहर के सबसे आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स और होटल्स में से एक में ये पहले थिएटर हुआ करता था शाहरुख खान भी जब यहाँ आते हैं चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग के लिए आए थे यहाँ रुके थे कहते हैं बच्चन साहब भी यहीं आते हैं खाना खाने के लिए या रुकने के लिए तो इसलिए हमने सोचा कि भैया हम भी ट्राई कर लेते हैं पास करते हुए हमें पता नहीं था इसके बारे में बट हमको अभी बताया गया कि हमारा लंच जो है केरला टूरिज्म ने यहीं पर बुक कराया तो खाते हैं कोशिश करते हैं कुछ साउथ इंडियन मंगाने की और देखें कि साउथ इंडियन फाइन डाइनिंग कैसे होती है क्योंकि ढाबे वाली तो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं प्रॉन्स की जी Prawn, okay. This is banana leaf? Yes. Wow. Mixed vegetable. No, pachakari koot. Pachakari koot. Yeah. Okay. Pachakari is vegetables. Okay. Fish polichadu. Okay. Matapetti. Matapetti mutton. It's okay. Proper local. Matapetti is a place name in Munnar. Okay. All right. So, maine kaha bhai Kerala style ka mutton khilao unko. Karele ka achar. बिटर कॉर्ड पिघल है करेले का अचार का माता जी के लिए स्पेशल वेजिटेबल मिक्स केरला पराठा पापड़ ओके मम्मी शुरू करो आप बड़े मसालेदार आइटम लग रही है साउथ इंडियन मसालों की खुशबू आ रही है बढ़िया बढ़िया नहीं कॉल मोदा 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 फिश या सी फिश माता जी की चाय कॉफी आ गई मैं खुशखबरी है कि सारा खाना निपटा दिया है अब जी हम जा रहे हैं शहर की मेन मार्केट की तरफ माता जी सोना ही सोना यहाँ जो चाय मार्केट में लेडीज काम करती है ना जो चाय कटिंग में वो ज्यादातर अपनी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट सोने में ही करती हैं साउथ में जनरली वैसे बड़ा कॉमन है ना सोना और जमीन हाँ You smell the roses? Yeah, it's beautiful. Once, I know. Women put them in their hair when they tie their hair behind. अच्छा मम्मी जो locals है ना अगर आपने street shopping करनी हो तो थोड़ा language barrier है क्योंकि ना हिंदी बोल रहे हैं और ना English पूरी proper तरीके से समझ आ रही बहुत कम है ऐसा मगर कई typical जैसे भी ये फूल वाले भाई साहब हैं बहुत ही रंग बिरंगा बढ़िया अच्छा हैपनिंग बाजार लगा हुआ है कहते हैं संडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मगर मेन एलिमेंट जिसको मैं बार बार यहाँ हाईलाइट करता हूँ वो है सफाई सफाई सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन तमीज़ लोगों में टुटे वुटे नहीं मार के निकल रहे वेरी नाइस Oh, this is really dark. भाई साहब ये यहाँ की होम मेड है क्योंकि यहाँ पे कोकोआ बहुत उगता है ना हमने परसों वाली वीडियो में देखा भी था राइट बड़े बन रहे हैं यार बड़े द बड़ा यार द सर्कल द द स्पाइसी डोनट बनाना ये बनाना फ्राई है मम्मी केला फ्राई खाओगे बनाना फ्राई ये तो ट्राई करना पड़ेगा ये ना कोलंबिया में भी बहुत खाते हैं प्लांटेन के पकोड़े टिश्यू पेपर लेके साथ में मुझे नहीं शायद मीठा पसंद आएगा क्योंकि मीठा पसंद नहीं है इनके साथ पसंद नहीं Mm.
माता जी, ये जो पीछे ज्वेलरी की दुकान दिखी है ना आपको, है ना, यहाँ पे ना जो लेडीज उसमें काम करती है ना प्री प्लांटेशन में, तो यहाँ पे आके वो कभी उनको गिरवी रखवाना हो, पॉन कराना हो, अच्छा। उस वाले काम से यहाँ पे वो स्टोर्स भी हैं, बाकी हाँ हाँ। और मुन्नार के बारे में एक खास चीज मैं आपको बता दूं कि आप ये देख रहे हैं पीछे मंदिर, 100 मीटर से भी कम दूरी पे वो रही मस्जिद, और 100-150 मीटर पे वो पीछे क्रॉस नजर आ रहा है आपको, और ये है चर्च। तो ये आपको यहाँ की रिलीजियस और कल्चरल हार्मनी के बारे में बिना कुछ कहे बहुत कुछ बता देगा। साथ ही में सब्जी बाजार मार्केट लगते हो, कुछ ऐसी चीजें जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, जैसे इस रंग का तो मैंने नारियल नहीं देखे कभी। मैंने उससे पूछा ये पीने के, पीने के लिए पर बहुत मीठा होता है ये, खूब मीठा पानी होता है। अच्छा, really not that sweet. I maybe because you told me and I was expecting it to be really really sweet, like, but is it how far slight difference with the coconut, but very minor. Yeah, 10-15% मीठा है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुंह में चीनी घुल जाएगी। मंडी में देखो ये ट्री टोमेटो बोलते हैं इसको, ये लाल रंग का केला। भाई ये जो खरबूजे का साइज का दिख रहा है ना, असल में खीरा है, ये रायते में या सब्जी वगैरह बनाने में काम आता है। और ये जो नीचे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड बनाना फ्लावर, ये भी सब्जी के लिए यूज होता है। और बिटर कॉर्ड आपने बहुत सुना होगा, मगर ये जो आइटम इसको कहते हैं स्नेक कॉर्ड, क्योंकि थोड़ा सांप की तरह ना, समझो। अब मेरे को समझ आया कि यहाँ का सांभर इतना अलग क्यों होता है, क्योंकि चीजें इतनी अलग पड़ती है, उसको कहते हैं चाऊ चाऊ। अबे चाऊ चाऊ दिल्ली में कहाँ मिलेगा नहीं, तो यहाँ के सांभर का स्वाद अलग है भाई। वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया।